अगर आप लाल पंप लगाते हैं उसका बिल अगर 1000 आता है तो इसका सिर्फ 200 रुपए आएगा। बाइक की बैटरी से भी चलेगी, लेकिन इसको आप बैटरी से भी चलाएं, आप गाड़ी की ठीक है, सोलर प्लेट से भी इसको चलाएं और आप इसको सप्लाई से भी चलाएं। सप्लाई क्या है, 12 वोल्ट की सप्लाई एडाप्टर आप लगाते हैं तो बिजली से भी चलेगा। तीनों ऑप्शन है, क्या बात है। अच्छा, ये 12 वोल्ट में चलेगी, 12 वोल्ट की मोटर है, ठीक है ठीक है। सप्लाई इसको 220 से 12 वोल्ट दे रही है, ठीक है। तो अभी ये बिजली पे चल रही है, ठीक है। बिजली का बिल समझ लें आप, 100-150 रुपये आना है इसको। अच्छा, उस बंदे का हाथ खींच रहा है ये पंप, इतना हैवी सक्शन ये कर रहा है कि बंदे का हाथ खींच रहा है। ये चेक कर लें जी, इस बंदे का हाथ भी, ये पानी के अंदर जाएगा, वाटर प्रूफ होता है ये, ठीक है। ये ग्रैंड फॉक्स कंपनी जर्मनी का है, ये जर्मनी का है। इसका बिल अगर 4000 आ रहा है टोटल घर का, ठीक है, 1000 रुपये का बिल का फर्क आएगा खाली मोटर का। अच्छा, मतलब आपका 4 के बजाय 3000 रुपये। बैटरी या घर की, जैसे आपकी गाड़ी की बैटरी है उससे भी आप इसको चला सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस टाइम मैं मौजूद हूँ शेर शाह मार्केट कराची में, यानी कि कबाड़ मार्केट में। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ मुख्तलिफ 12 वोल्ट के इलेक्ट्रिक पंप्स, जिसको आप लोग अपनी गाड़ी की बैटरी पे भी चला सकते हैं, इसके अलावा बाइक की बैटरी पे भी चला सकते हैं, आप इसको सोलर प्लेट पे भी चला सकते हैं। ऐसे पंप दिखाने जा रहा हूँ, आप मेरे साथ रहें। आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर हमें देख रहे हैं इसको फॉलो ज़रूर कर लें, ताकि हम लोग किसी भी मार्केट में घुसें उसका आपको पता होना चाहिए। जैसे आपको इंट्रो करवा चुके हैं, मेरे साथ यहाँ के ऑनर मौजूद हैं जुनेद भाई, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जुनेद भाई, कैसे हैं, खैरियत से? अल्लाह का बड़ा करम, फर्स्ट क्लास आप आए माशाल्लाह सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, थोड़ा सा ऊंचा बोलना है क्योंकि कराची वालों की आवाज थोड़ी खटकनी चाहिए। अच्छा, मुझे बताएं कि सर किस किस में डील करें, मैंने सुना बड़ी मुश्किलें आपने हल कर दी हैं आवाम की। असल में इशू चल रहा है लाइटों का भी, ठीक है, बिजली के बिल आपके ज्यादा आ रहे हैं या लाइट नहीं है। सोलर प्लेट में जैसे आप मोटर चलाएं या बैटरी पे, ये सर जी आप इधर पकड़ लें हाथ में, हम लोग रख लेते हैं। अच्छा जी, ये आपको पड़ेगी 2500 रुपये की मोटर। अच्छा जी, मेरे डोंगी पंप में आप लगाएं, सप्लाई हो गई, सप्लाई से चलाएं, ठीक है, बिजली का बिल समझिए ना होने के बराबर आएगा। अच्छा ठीक है, ठीक है। और इसको बैटरी या घर की, जैसे आपकी गाड़ी की बैटरी है उससे भी आप इसको चला सकते हैं। बाइक की बैटरी से बैकअप कम होगा, ठीक है, 1 घंटा होगा। अगर आप आल्टो की बैटरी से या सुजुकी की बैटरी से आप चलाते हैं, 2.5 घंटा जो लोड शेडिंग है आपका ये काम निकाल देगी। मतलब गाड़ी की बैटरी से भी ये चल जाएगी, बाइक की बैटरी से भी चलेगी, लेकिन बात ये है कि आपको बैकअप चाहिए, कम से कम, बात समझ रहे, ठीक है। बैकअप में ये है कि आप अगर 50 वाली बैटरी लगाते हैं तो इसका प्रेशर भी सही आएगा और प्लस टाइम पीरियड भी। तो ये सोलर पे भी चल सकती है? सोलर पे चलेगी, सप्लाई होती है इसमें, आप इलेक्ट्रिक से भी चलाएं इसको, ठीक है ठीक है। तो ये मुझे बताएं कि इसके कितने चक्कर होते हैं? 2800 रुपये। तो ये कितने हॉर्स पावर की है? ये आधे हॉर्स पावर में पंप में लगेगी, ठीक है। बैरिंग वाला पंप होता है इसमें, वो अभी आपको मैं दिखाऊंगा। तो ये कितने फीट से पानी खींच लेता है? तकरीबन ये 300 फीट सीधी लाइन से आप खींचे, ठीक है, और अगर बोरिंग से निकालते तो वो 30 फीट से खींचेगा। अच्छा, तो मतलब ये बड़े इसके साथ मतलब वो कनेक्शन लगा दे तो पानी को खींचता रहेगा? बिल्कुल खींचेगा। अच्छा, मैं चेक कर रहा हूं, कितने की है ये? 2500 रुपये की है। अच्छा, इसकी छोटी ये 2000 रुपये की है। ये 2000 रुपये की है जी। अच्छा जी, सर ये मतलब पंजाब में तो नहीं मिलती हमें? पंजाब में अभी कम रुझान है, कराची में ज्यादा इसका रुझान है, ठीक है। ये बोलो, ये वाली आपको पड़ेगी 3500। सर ये किस कंट्री की है? ये है जापान की है। ये जापान की है, चाइना नहीं होती ये। अच्छा जी जी, नाजरीन देखिए, इससे जी आप पानी भी खींच सकते हैं। ये बड़ी आपकी मुश्किल हल कर दी है, लाइट नहीं है, लोड शेडिंग है, मसला कोई नहीं, सारी चीजें हैं ये, मसला कोई नहीं, कोई मसला नहीं, ग्रेट। अच्छा जी, इसके अलावा ऊपर और मुझे क्या दिखाना चाह रहे थे आप? उसमें जैसे ये जेट पंप है, अच्छा जी, तो आप तकरीबन जो है तकरीबन 100 फीट से पानी खींचे, अच्छा, और 1 मंजिल ऊपर चढ़ाए, अच्छा ठीक है। इसका रेट है 7000 रुपये, ये 1.25 इंच का है, ठीक है, 7000 पौने। ये वापडा पे है या सोलर पे है? ये अपना एसी पे, ये एसी पे बिजली पे चलेगा, बिजली पे चलेगा, ठीक है। ये मोनोबिल आके, अच्छा ये थोड़ा थोड़ा दिखा देंगे सर जी, इसके जरा दिखा देते हैं, जरा कैमरामैन पास आके दिखाते हैं, जरा अगर उठा के भी दिखा पाए तो मुझे। इसमें चक्कर वगैरह कितने होते हैं वो सारी चीज़? 2800 रुपये में इसके 2800। ये आप देख सकते हैं जी स्क्रीन पे, ये जर्मनी की मोटर है, अच्छा, तकरीबन 2 मंजिल हाइट देगी ये, पड़ेगी 6500 रुपये की, 6500 रुपये की। इसमें कोई पाना तक नहीं लगा हुआ है, ठीक है। बिजली के बिल आप ये समझ लें ना होने के बराबर आने चाहिए। सर बिल में कितना फर्क आता है? बिल में ऐसा है, इसमें जैसे फर्क है, पाकिस्तानी आप मोनोबिला कॉनिच वाला जो आप लगाते हैं उसके 1000 रुपये अगर बिल का आता है, बिल इसके 200 रुपये आना है बस। नाजरीन जैसे ये बता रहे हैं, अगर आप लाल पंप लगाते हैं उसका बिल अगर 1000 आता है तो इसका सिर्फ 200 रुपये आएगा। ये RPM वगैरह कितने होते हैं चक्कर वगैरह? इसके 2800 RPM में। अच्छा जी जी। अच्छा इसके अलावा ये कितने का बताया? ये आपको 6500। 6500। अच्छा इसके अलावा जो आप कह रहे थे जी, इसमें 12 वोल्ट की मोटर ये लगी सर? ये वही मोटर जो लगी हुई है, वही वाली है। ये देखिए, इसको जरा ऑन करिएगा। अच्छा ये थोड़ा अगर इस साइड से भी आपके आके दिखा देते हैं जी, ये वही मोटर है, ये बिल्कुल चलेगी। ये कितने फीट से आप बता रहे थे? ये तकरीबन 300 फीट सीधी लाइन से खींचेगी। अच्छा ठीक है, ये 12 वोल्ट की है। अच्छा ये सप्लाई लगी हुई इसकी। अच्छा जी, ये भी इलेक्ट्रिक पे चल रही है। अभी पानी आप खींच के दिखाएंगे मुझे? हाँ, सिर्फ प्रेशर दिखाओ उसका। प्रेशर भाई दिखा दें इसका।
लाए करीब लाए थोड़ा। अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा ये सप्लाई लगानी पड़ेगी। हाँ। तो ये 12 वोल्ट पे चलेगी? 12 वोल्ट की मोटर है। ठीक है ठीक है। सप्लाई इसको 220 से 12 वोल्ट दे रही है। ठीक है। तो अभी ये बिजली पे चल रही है मोटर। ठीक है। बिजली का बिल समझ लें आप 100-150 रुपए आना है इसको। अच्छा बस का इसमें बिजली का बिल 100-200 रुपए के ऊपर नहीं आएगा। मतलब अगर इसको 5-6 घंटा चला उसमें बिल का कितना फर्क आता है? बिल में ऐसे जैसे घर में आपका 4,000 रुपए बिल आ रहा है, ठीक है, 4-3,500 रुपए आ रहा है, उसमें एक आपके स्पीड का हो गया या आपकी जो है ना फ्रिज का हो गया, इसका बिल अगर 4,000 आ रहा है टोटल घर का, ठीक है, 1,000 रुपए का बिल का फर्क आएगा खाली मोटर का। अच्छा मतलब आपका 4 के बजाय 3,000 रुपए। इसमें ये 12 वोल्ट की सप्लाई है, ठीक है, ये पंप है, ये 12 वोल्ट की मोटर लगी हुई है, ठीक है, इसको हम बिजली से चलाएंगे, ठीक है। तो आपका बिल आप 1,000 रुपए महीने की इस मोटर लगाने से बचत आएगी, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएंगे, 4 है तो 3 हो जाएंगे आपके। नाज़रीन ये देखें, अगर ये आप मोटर लगाते हैं, अगर आपका घर का टोटल बिल पहले 4,000 आ रहा है तो ये लगाने की वजह से आपका बिल वो 3,000 आएगा, कम से कम वो 1,000 रुपया ये इसका निकल जाएगा, कम से कम 100 रुपए का जैसे ये बता रहे हैं कि बिल आएगा। इसी तरह 100-200 रुपए की ये बिजली खाएगी हॉर्स पावर की अगर मोटर, ठीक है। तो ये कितने की टोटल पूरा सेटअप पड़ेगा? 2,500 रुपए की मोटर है, 6.5 का पंप है और 2,000 की सप्लाई है, ठीक है। अच्छा ये हम लोग जो लाल पंप होता है नॉर्मल हम घर में यूज, उस पर ये लग सकती सप्लाई के? नहीं उस पर सप्लाई नहीं लगेगी, नहीं लगेगी उस पर, नहीं लगेगी। तो ये मतलब अगर हम लोग चलाएं से सोलर पे भी चल जाएगी? सोलर पे चलेगी, आपकी बैटरी पे चलेगी। सोलर पे चलाएं तो फिर तो फ्री है? सोलर पे तो फिर वो आपको जब तक धूप है वो चलते रहेगी, वरना फिर बैटरी आप बैकअप पे रखें इसके। और कौन सा पंप मुझे दिखाएंगे? ये एक स्पेशल आइटम है मेरे पास, ये जेट पंप, तकरीबन पानी 100 फीट से खींचेगा, ठीक है, 2 मंजिल ऊपर चढ़ाएगा, ठीक है। इटली का पंप है ये वाला, ये प्योर SS का फ्रंट होता है इसका और जेन्युइन पीस होता है ये, ठीक है। और ये आप ले लें, तकरीबन आपको ये पड़ेगा 6,500 रुपए का, ठीक है ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं, अगर कोई मसला मसाला निकलता है आप चेंज वापस करेंगे? पार्ट अगर आता है जलने की इसकी गारंटी नहीं होती है, ठीक है, पानी नहीं चढ़ाए, खेचे नहीं, प्रेशर कोई मसला हो छोटा मोटा, तो हम वो चेंज करके दूसरा देते हैं, 20 दिन का इसका टाइम होता है, ठीक है। अब जैसे कोई पंजाब मंगवाते हैं तो उनको 2 महीने का भी हम टाइम देते हैं। अच्छा पंजाब वालों के लिए जाहिर है, इतने दूर से आना जाना बिल्टी सारे मामला थे। ये 6,500 रुपए का पड़ेगा, पानी आप लाइन से खींचें और 1 मंजिल ऊपर चढ़ाएं, और डायरेक्ट टैंक से अगर पानी आप चढ़ाते हैं तो 2 मंजिल लाइट देगा। सर ये मुझे बताइए ये कौन सा पंप है? ठीक है ये पाकिस्तानी पंप है ये वाला, ठीक है, 12 वोल्ट का। अच्छा जी ये आपके तकरीबन 300 फीट सीधी लाइन से पानी खींचेगा। अच्छा ठीक है, और इसको आप 2 मंजिल ऊपर भी चढ़ा सकते हैं। अच्छा ये वरम पंप कहलाता है ये, ठीक है ठीक है। तो ये 12 वोल्ट पे है? 12 वोल्ट पे, और इसको आप चाहे सप्लाई पे लगा के 220 से भी चला सकते हैं। अच्छा वैसे उसमें बिजली का बिल आपका नहीं आ रहा है, अगर 4,000 आ रहा है तो फिर वो फिर 3,000 रुपए 3,000। और 12 वोल्ट की मोटर रह रहेगा, आप बैटरी से चलाएं या सोलर प्लेट से इसको चला सकते हैं, इसको चला सकते हैं। तो ये कितने का? ये आपको पड़ेगा 13,000 रुपए 13,000 पंप कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा एक हॉर्स पावर का, और ये बाल्टी पंप है, ठीक है, जैसे बारिश में पानी अंदर जमा हो जाता है तो वो पानी डोंकी पंप भी शायद, डोंकी पंप नहीं ये बाल्टी पंप बोलते हैं, रेन पंप बोलते हैं, ये पानी के अंदर जाएगा, वाटर प्रूफ होता है, ठीक है। और इसको आप 20 फीट नीचे से उठाएं, ठीक है, ये ग्रैंड फॉक्स कंपनी जर्मनी का है, ये जर्मनी का, ये इटली का है, मेड इन इटली लिखा है, ये इटली, ये जर्मनी का है, ये इटली का नाज़रीन, ये वाला इटली का है, ये जर्मनी का है, ठीक है। कितने कितने का पड़ रहा है? ये आपको पड़ेगा 8,000 रुपए का, ठीक है जी। ये 6 का है और ये 10 का है, ठीक है। बाल्टी पंप है ये, आपके पानी टैंक से उठा के आगे फेंकेगा, गंदा पानी जो बारिशों में आ जाता है, ठीक है। अच्छा इटली की मोटर पेट्रोला कंपनी की ये पड़ी हुई है। अच्छा जी प्रेशर स्विच भी इसमें, ये सारी जर्मनी स्टेडियम की, ये पाकिस्तानी मोटर, ये तो आपको अपने इलाकों से भी मिल जाएगी, ठीक है। असल फोकस जो है शेरशाह आने का मकसद, जैसे ये ग्रैंड फॉक्स मोटर है 2 कोटी, ठीक है, ये तकरीबन आपकी 4 मंजिल हाइट देगी। अच्छा 4 मंजिल हाइट, बिजली का बिल आप ये ले लें बिल्कुल मैक्सिमम आना है इसमें ना, ठीक है। पाकिस्तानी मोटर जो आ रही है उससे बिल्कुल कम आएगा इसका बिजली का बिल जी। तो इसके चक्कर वगैरह कितने? 2,500 रुपए में, इसके भी RPM 2,800, ठीक है, दोनों के। अच्छा जुनैद भी अगर को आना चाह रहा, अच्छा वो डिलीवरी भेज देंगे जहाँ पे भी चाहिए? जहाँ भी कहेंगे वो BTM करवा देंगे उसको। पैसे पहले लेते हैं बाद में? पैसे जाहिर ऑनलाइन तो पहले करवाना पड़ेगा। अच्छा मुझे बताएं अगर को आना चाह रहा था हम किसी जगह? जगह है शेरशाह क्वालिटी गोदाम, ठीक है, शॉप नंबर A2, वो एड्रेस आपको भी और उसमें मेंशन करवा दूंगा मैं। तो ये कराची में है? कराची में है, ठीक है। कराची एनी टाइम विजिट कर सकते हैं? एनी टाइम सुबह 9 से हम 5-6 बजे तक होते हैं, इतवार छुट्टी होती है, ठीक है। आप मुझे इजाज़त है, ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन आज हम लोग कोशिश कर रहे थे आपको कुछ डिफरेंट दिखाएं, आप कोशिश करते हैं आपकी मुश्किल दूर करें, आपकी जो परेशानियाँ उसको कम करने की कोशिश करते हैं, जितना हमारे से हो सकता है हम लोग उसमें हिस्सा डालेंगे, कोशिश करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद है इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि किसी का भला हो, और हमारे जिस भी प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं उसको फॉलो कीजिएगा ताकि हम लोग आपके लिए कुछ नया ढूंढे ना उसका आपको पता ज़रूर होना चाहिए। मुझे दीजिए कराची से इजाज़त, अल्लाह के बाद।